नमस्ते दोस्तों, राम राम। नमस्ते दोस्तों, राम राम। तो दोस्तों, हम तो कैंपिंग किया करते हैं अक्सर बाहर, वाइल्ड कैंपिंग, फॉरेस्ट कैंपिंग, जंगल में जाते हैं, अंधेरे में काम करते हैं, नाइट कैंपिंग करते हैं। तो रात को क्या होता है, लाइट की जरूरत पड़ती है ना? जरूरत पड़ती है भाई। तो अंधेरे में हम कैसे काम करते हैं, तो बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे भी आ रहे थे कि आप कौन से लाइट यूज करते हैं, उसका भी एक रिव्यू बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, हाथी के दांत जानते हो, खाने के और दिखाने के और होते हैं कि नहीं? दिखाने के लंबे लंबे, खाने के अंदर होते हैं। बिल्कुल वैसे ही लाइट्स भी बहुत तरीके के हम इस्तेमाल किया करते हैं कैंपिंग में। मतलब कैंपिंग वीडियो फिल्म करने के लिए अलग लाइट्स होते हैं, और सजावट के लिए या फिर व्यू के लिए, लुक अच्छा आने के लिए जो लाइट्स, वो अलग लाइट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं जो हम काम करने के लिए जो लाइट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए, ये है विजिम VL120। हालांकि मुझे लगता है आजकल ये बंद हो गया, मिल नहीं रहा है मार्केट में आजकल, इसका मॉडल बंद हो गया है, कुछ अपग्रेडेड मॉडल कुछ आ गया है। तब के टाइम हमको ये कितना पड़ा था? हमको 2000 पड़ा था। हाँ, तब के टाइम हमको ये 2000 रुपये पड़ा था, लेकिन आज ये बंद हो गया लगता है। इसके कुछ अपग्रेडेड मॉडल्स आ रहे हैं, वो 3000 करीब पड़ जा रहे हैं। तो ये है, तो अच्छा है, बैटरी बैकअप भी बढ़िया है। हम जो कैंपिंग में नाइट में काम करते हैं, ये हम दो ले रखे हैं इसको, एक एक लाइट करीबन 2-3 घंटा तो चले जाते हैं आराम से। हाँ, एक एक लाइट 2-3 घंटा काम हो जाता है, तो आराम से 6-7 घंटा दो लाइट्स के साथ काम कर सकते हैं नाइट कैंपिंग में। लेकिन बता दूं, ये वाटरप्रूफ नहीं है। इसको अगर आपको बारिश में इस्तेमाल करना है, तो आपको कोई अलग से पॉलीथीन वगैरह कुछ रैपिंग करना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाएगा, तो ख़राब होने के चांसेस फुल है। इसीलिए ही इसको टक्कर देने के लिए, मतलब खास करके बारिश में कैंपिंग करने के लिए, ये अलग लाइट पिछले साल मैंने US से मंगवाया था, यहाँ तो नहीं मिलते, US से थर्ड पार्टी वेबसाइट से मंगाया था, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ गया। ये हमको पड़ गया करीब 13,000 रुपये, और इसका जो मॉडल है वो है गोडक्स WL8P। लिंक में शेयर कर दूंगा। तो ये जो लाइट है, ये वाटरप्रूफ भी है, और इसको ना ब्लूटूथ में कंट्रोल किया जा सकता है अपने मोबाइल से। मतलब यहाँ पे पावर बटन ऑन कर दूंगा, प्रेस करके होल्ड करने से ऑन हो जाता है। फिर इसको बाद में, इसमें ब्लूटूथ दिया गया है, बैटरी लाइट और कलर वगैरह सब कुछ मैं अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकता हूँ ब्लूटूथ के मदद से। बढ़िया है कि नहीं? और सामने भी एक अच्छा सा डिफ्यूज़र भी लगा है, देखो हमारे ऊपर भी अच्छी लाइट गिर रही है। इसको अलग अलग लाइट भी कर सकते हैं ना? हाँ, कलर वलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसका एक अलग रिव्यू बनाएंगे, जहाँ पर सिर्फ इस लाइट के ही डिटेल्स आपको शेयर करेंगे, ठीक है? आज सिर्फ कौन कौन से लाइट इस्तेमाल करते हैं वही दिखा रहे हैं आपको। तो ये हो गए हमारे क्या काम करने के लाइट, मतलब खाने के दांत, दिखाने के दांत जो स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं या फिर शो के लिए, वो देखिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले ये भी एक लाइट है, ये काम करने के लिए भी हो जाता है, व्यू के लिए भी हो जाता है। देखिए, एक डिफ्यूज़र की तरह ही काम करेगा ये लाइट भी। देखिए, लाइट वेट भी रहता है, बिल्कुल लाइट वेट है, और झुलाने के लिए एक हुक भी दिया गया है, हुक भी लटका सकते हैं। हाँ, बस इसमें क्या है, ज़्यादा मोड्स नहीं मिलेंगे आपको। पहली बार प्रेस करने पर ऐसे जलेगा, दूसरी बार पर थोड़ा डिम हो जाएगा, तीसरी बार SOS हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। और मोड्स कुछ नहीं है, या फिर कलर वलर का कुछ ऑप्शन है नहीं इसमें। और एक लाइट है, ये देखिए, ये तो फैन के साथ लाइट, इसको एक बार हमने रिव्यू भी किया था, इसको भी इस्तेमाल करते हैं। अभी ये पावर बैंक के साथ कनेक्टेड है, इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, पहली बार दबाने से तो ये पंखा चल जाएगा, दूसरी बार पर लाइट जल जाएगा। तो ये लाइट भी बढ़िया होता है, काम के लिए भी हो जाता है, व्यू के लिए भी हो जाता है, खूबसूरत दिखता है, टेंट के अंदर लाइटिंग हो जाता है बढ़िया। काफ़ी सारे ऑप्शन से रिव्यू भी किया हुआ है, तो डिटेल जानने के लिए वो रिव्यू वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और ये एक लाइट है, हेडलाइट। देखिए, हेडलाइट तो बहुत सारे भी हमने पहले भी रिव्यू कर चुके हैं ना। हाँ, कुछ तो ख़राब हो गए, कुछ तो टूट गए। अभी ये एक ही बजा है हमारे पास हेडलाइट, इसको एक बार प्रेस करने पर ऐसे जलेगा, दूसरी बार पर ये दोनों, तीसरी बार पर सारे लाइट्स जल जाएंगे, तीन लाइट जो है, तीन LED है यहाँ पे जल जाएंगे, और फिर SOS, और फिर एक कलर भी आता है। देखो, ये थोड़ा शो के लिए होता है, पिछले वीडियो में, कैंपिंग वीडियो में हमने एक बार इसको गाड़ी के ऊपर रख दिया था, मस्त लुक आ रहा था ना इसमें। हाँ, और ये भी एक लाइट है, देखिए, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, बहुत इस्तेमाल किया करते हैं इसको, मैक्सिमम टाइम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इसका एक, ये रेट्रो लाइट बोलते हैं, इसका एक अलग ही लुक आता है कैंपिंग करते वक्त, बढ़िया फील भी आता है, मज़ा आता है, अच्छा वाइब क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, है कि नहीं? हाँ भाई, ये भी बहुत दिन लास्टिंग किया है। कितना दिन हो गए इसको मंगाए हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए ना, 2 साल से लगातार चल रहा है, इसमें सिर्फ बैटरी
चेंज करने पड़ते हैं। ड्यूरासेल के रिचार्जेबल बैटरीज मिल जाएंगे, डबल ए वाले बैटरी, वो आप चेंज कर सकते हैं, रिचार्जेबल बैटरी डाल डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाटरप्रूफ जैसा ही है, पानी में भी भीग चुका है कई बार बारिश में, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें आज तक। पर फाइनली ये वाला भाई, हाँ ये तो हमारा ये एक हथियार जैसा भी काम आता है, मतलब बहुत वजनदार है, कोई पास में आ जाए जानवर अचानक से तो ऐसे भगा भी सकते हैं इसे मार के। और टॉर्च तो पावरफुल है ही, देखिए एकदम दिन हो जाएगा ऐसे लाइटिंग। और इसका भी डिटेल रिव्यू तो हमने पहले कर चुके हैं हम अपने चैनल में, वहाँ पे जाके देख सकते हैं डिटेल रिव्यू। फिर भी इन सब के लिंक्स फिर से डाल देंगे, अगर आपको कोई भी लाइट चाहिए होगा तो वहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यही था हम जो कैंपिंग में लाइट इस्तेमाल किया करते हैं, जो भी हमने वीडियो बनाने के लिए, तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करेंगे भाई, पसंद आएगा तो एक लाइक बनता है भाई, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कुछ अगर चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, कोई कैंपिंग एक्सेसरी हो गया या फिर कोई और एक्सेसरी हो गया जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसका भी एक अलग से रिव्यू बना देंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राम राम।